छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, ढाई साल आते आते किस रूप से कांग्रेस दिखाई दे रही है। कांग्रेस में अंदर ही अंदर बड़ा विभाजन दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि ढाई साल आते आते कांग्रेस पूरी तरीके से विभाजित हो गई है। पूर्व सीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ में 15 साल में ऐसा मौका नहीं देखा गया जो अभी देखने को मिल रहा है। ये जांच का भी विषय है। वहीं रमन सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि विकास के नाम पर एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है, काम केवल पेपर, टेलीविजन और बयान पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से विभाजित हो गई है और एक विधायक आरोप लगा रहा है मंत्री के ऊपर कि उसको जान से खतरा है और मंत्री जी उस पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस सारे विषय में गलतफहमी हुई है और कहीं न कहीं इन पूरे मुद्दे को लेकर जांच की मांग हो रही है। अब यदि एक दल के अंदर, विधायक दल के अंदर एक दूसरे के खिलाफ 15 साल हम लोग विधानसभा में रहे, सरकार में रहे, सत्ता में रहे, कभी विधायकों के बीच ऐसा मतभेद देखने को नहीं मिला जो कांग्रेस के दल में, कांग्रेस पार्टी के अंदर दिख रहा है। ये मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से जो आज कांग्रेस की हालत है पूरी तरीके से विभाजित है और ढाई साल आते आते उसका स्वरूप